आयशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुकी है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था अपर्णा विष्ट यादव ने, और इस वक्त वह बीजेपी के लिए तमाम तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ अपर्णा विष्ट यादव बीजेपी में शामिल हुई, दावा किया गया कि अब उन्हें कोई शानदार पद मिल सकता है, कोई शानदार और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। लेकिन इसी बीच अपर्णा विष्ट यादव लगातार कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी कर रही है। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे उनकी एक लेटेस्ट तस्वीर के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि अपर्णा विष्ट यादव को लेकर ये दावा किया गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए योगी आदित्यनाथ, तब उनके मंत्रिमंडल को लेकर ये दावा किया गया कि उनके मंत्रिमंडल में अपर्णा विष्ट यादव को जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में लोकसभा उपचुनाव हुए जिसमें अपर्णा विष्ट यादव को लेकर कहा गया कि आजमगढ़ से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और अपर्णा विष्ट यादव को तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हुई नजर आती है, ऐसा ही कोई पद अपर्णा को भी दिया जा सकता है। लेकिन इसी बीच यहां पर सियासी माहौल तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में कई फेरबदल देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिलकर कई अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपर्णा विष्ट यादव रक्षा मंत्री से मिलने पहुंच गई हैं। जी हां, इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे एक तस्वीर, अपर्णा विष्ट यादव अब मुलाकात की है रक्षा मंत्री से। जी हां, आप हमारी इस रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे कि एक तरफ बैठे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक तरफ यहां पर अपर्णा विष्ट यादव बैठी हुई हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अपर्णा विष्ट यादव ने लिखा है, आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से शिष्टाचार भेंट किया। जी हाँ, बीते कल की ये तस्वीर है और बीते कल अपर्णा विष्ट यादव ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर उन्होंने बताया है ये एक शिष्टाचार भेंट रही है। इस तरीके से वह हर दिन आए दिन किसी ना किसी दिग्गज नेता से मुलाकात कर रही है, लेकिन यहाँ पर इस मुलाकात को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर तमाम यूजर्स ने अपनी बात रखी है और तमाम यूजर्स उन्हें कहते हुए नजर आए हैं कांग्रेचुलेशंस, जय हो दीदी जी की, माननीय राजनाथ सिंह जिंदा। वहीं अपर्णा विष्ट यादव को लेकर एक यूजर ने लिखा है, आदरणीय अपर्णा दीदी जिंदाबाद। इस तरीके से अपर्णा विष्ट यादव को लेकर सभी ने अपनी खुशी को जाहिर किया है और सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द अपर्णा विष्ट यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात का असर क्या कुछ होने वाला है, क्या बीजेपी यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव के लिए कोई रणनीति बना रही है, कोई प्लानिंग कर रही है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो फिलहाल अपर्णा विष्ट यादव को जिम्मेदारी सौंपने को लेकर इस वक्त विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।